हाय फ्रेंड्स, आज हम सब लोग मिलकर बनाते हैं लौकी के मोमोज जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। चलिए जानते हैं उसकी स्टफिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए होगा बॉटल गॉर्ड या फिर लौकी ग्रेटेड, चॉप गार्लिक, तीन चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप चॉप अनियन लीजिएगा तो फाइन की चॉप होनी चाहिए, काफी बारीक, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अब हम चलिए स्टफिंग बनाते हैं मोमोज की। सबसे पहले हमने एक कंटेनर में लौकी को ग्रेटेड लौकी को लेके उसको बॉईल करने के लिए रख देना है 5 मिनट के लिए। इसे खाली 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट हम डालेंगे जिससे लौकी थोड़ा सा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले, जब हम बाद में बनाए तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा 5 मिनट से ज्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी लौकी बॉईल हो चुकी है। हम इसे अब ड्रेन कर लेंगे इसका सारा पानी, और फिर इसको अच्छी तरह से इसका पानी को निकाल लेंगे जितना भी एक्सेस वाटर हो, क्योंकि लौकी अपने आप में पानी बहुत इसके अंदर होता है, ऊपर से एब्जॉर्ब बहुत करती है, तो सारा वाटर को हम निकाल लेंगे, इसको एकदम एक ड्राई सा बना देंगे। फिर हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, गैस स्टोव चलाएंगे, हम उस पे 3 टेबल स्पून ऑयल उसमें ऐड करेंगे। हमने जो फाइनली जो चॉप करके रखे हुए थे अनियंस उनको हम डाल लेंगे। हमें इन्हें लाल नहीं करना है, इनको हमें बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए डीप में कीप करना है जैसे। फिर हम इसमें हमने जो चॉप करके रखे हुए थे गार्लिक वो ऐड करने हैं। हम बारीक कटा हुआ इसमें मिर्च डाल लेंगे एंड इसको थोड़ी सी देर तक चलाएंगे। जब ये हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी, एक अरोमा आएगा अच्छा सा, तो आप समझ रहे हो कि ये हमारे बस उतने ही हमें इसको करना है। हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, कईयों को ब्लैक पेपर नहीं अच्छा लगता है तो वो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छा से हो गया है। अब हम इसमें अपनी जो हमने ग्रेट करके और उसका पानी निकाल के जो लौकी रखी हुई थी हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम ये सॉफ्ट हो गया है, लौकी जो पहले थोड़ी सी हार्ड लग रही थी, और अब सारा मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमें इसे ज्यादा देर नहीं रखना है इसमें। अब हम चलिए हम बताते हैं कि हम कैसे इसका डो तैयार करेंगे। उसमें हमने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा, थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए पूरा मैदा नहीं लिया हमने। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और इसमें 3 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा डो पानी लेके इसको अच्छी तरह से घूम देंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है। जिसमें भी हमें बेलना है उसको लेंगे, हम उसे थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसमें कोई भी आटा ऐड नहीं करना है। हम इसके छोटी छोटी गोली से बनाएंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से बना रहे हैं, हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं।
हम बेलना शुरू करेंगे। अब तक हमारी जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है, अब हम उसको इसमें डाल देंगे। ऐसे हम सारे बना लेंगे मोमोज। देखिए हमने सारे अब मोमोज तैयार कर दिए। अब हमारे पास मोमोज के लिए बनाने के कंटेनर, हमने उसको ऊपर स्टीम करने के लिए रखा है। अब उसके ऊपर हम उसका कंटेनर रखेंगे, उसमें भी हमने ग्रीसिंग की है एंड पहले से कर रखी थी ग्रीसिंग। अब उसमें हम मोमोज डालेंगे। इनकेस आपके पास ये कंटेनर नहीं है, आप किसी भी स्टीमर में बना सकते हैं या इडली वाला आपके पास हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसे 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे मोमोज एकदम रेडी हैं और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। हमने एक इसमें मेयोनेज किया है इसमें और दूसरे इसकी सेजवान चटनी। हम इसकी जो चटनी होती है वो भी आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से बनानी है। ये आपकी प्लेट मोमोज की, लौकी के मोमोज की एकदम रेडी है।